बैक टू माई चैनल, कैसे हो आप सब? आई जस्ट होप आप सब एकदम अच्छे होंगे। ये देखो मेरे को पीछे से देख, इतनी धूप में मैं कहाँ जा रही हूँ, इतनी धूप में मैं जा रही हूँ, एक तो ज्वेलर की शॉप पे जा रही हूँ और मम्मी आ रही है बाहर, मुझे मम्मी से लेनी है पेन ड्राइव, जैसे कि मैंने कल के ब्लॉग में बताया था। तो अभी लेट हो रहा है, टाइम क्या हो रहा है? 2:18 हो रहे हैं, तो अभी निकलते हैं। इतनी तेज धूप में क्यों जाना पड़ रहा है वो मैं बताऊंगी आगे रास्ते में। तो अभी फटाफट से निकलते हैं, खाना वाना भी हो गया, तैयार हो गई हूँ मैं, चलो निकलो अभी फटाफट, अभी टाइम नहीं है बिल्कुल भी बोलने का। सो हम निकल गए हैं और फिर से मैंने दुपट्टा डाल लिया है, धूप हो रही है। चलो मम्मी आ गई है, निकल चुकी है वहाँ से, और उसके बाद मुझे 2-3 काम हो रहे हैं वो भी करने हैं, वो पता चलेगा आगे वीडियो में। क्यों हो रहा है ना, बाहर निकल गए तो कभी कभी अच्छा। तो यहाँ हम अभी घर से निकल चुके हैं और मम्मी मुझे बाहर नजरगढ़ मार्केट में ही मिलेगी। ऐसा क्या रीज़न है जो मम्मी घर पर नहीं आई और मुझे ही बाहर जाना पड़ रहा है मम्मी से मिलने के लिए? मम्मी जो घर पर नहीं आ सकती है वो मैं आपको बताऊंगी आगे कि ऐसा क्यों है जो मम्मी मेरे ससुराल में अंदर घर पर नहीं आ रही है, बाहर के बाहर ही मिल के जा रही है, ऐसा क्यों है? तो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगी ब्लॉग में आगे। अभी मैं रिक्शा में बैठी हुई हूँ, हमारे घर से थोड़ी सी दूर हमें बाहर चल के आना पड़ता है, वहाँ से रिक्शा करनी पड़ती है नजरगढ़ मार्केट के लिए, उसके बाद फिर वहां से आगे हम जाएंगे जहां भी हमें जाना है। तो यहाँ मम्मी ले रही है अपना फेवरेट अचार, मम्मी को यहाँ का अचार बहुत ज़्यादा पसंद है। मम्मी कहीं भी हो ना, बस यहाँ से अचार लेना तो मम्मी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, यहीं से लेगी। मेरी नानी मौसी मतलब सभी लोग यहीं से ही अचार लेते हैं इसी शॉप से, तो मम्मी वही अचार ले रही है आम का। सो हम अभी आए हैं गन्ने का जूस पीने। मम्मी ने हाथ घुमा के लिया है, गन्ने का जूस मिल नहीं रहा था, बड़ी मुश्किल से ये शॉप ले ली है, वो भी ढासा बहादुरगढ़ का स्टैंड। बहादुरगढ़ का स्टैंड होने दिल्ली गेट से बहादुरगढ़ अंकल जी आ जाओ। तो यहाँ पर हम पी रहे हैं गन्ने का जूस। एक्चुअली पूरे मार्केट में हमने घूम लिया, मतलब गर्मी के टाइम पे हमें गन्ने का जूस नहीं मिला, बड़ी मुश्किल से चल चल के इतना किलोमीटर हमें बाहर आना पड़ा। ये बहादुरगढ़ का जो रोड है बहादुरगढ़ की तरफ जाता है, तो वहाँ पे जाके हमें बड़ी मुश्किल से ये गन्ने की शॉप मिली जहाँ पर हम गन्ने का जूस पी रहे हैं। और मम्मी को बहुत ही मतलब ये होता है कि कोई अगर बूढ़े अंकल हों तो उनको जूस वूस पिला देती है, तो ये मम्मी की अच्छी चीज़ है, मुझे भी बहुत अच्छी लगती है ये सब चीज़। तो हम अभी निकल गए, बहुत तेज़ धूप है और बहुत गर्मी है भैया, हालत देखो हमारी शक्ल देखो। और मम्मी को छोड़ दिया है, मम्मी चली गई है वहाँ से अब घर की तरफ, जो भी अपना सामान वामान लेना होगा और ले लेगी वहाँ से, जैसे अगर मार्केट से ही लेती है हमेशा, तो वहाँ से मम्मी निकल जाएगी घर। और मैं जा रही हूँ अभी सैलून, ये बालों का कुछ करने। क्या हो गया यार, काली हो गई, पूरे महीने भर की हालत ख़राब हो गई सनस्क्रीन लगा लगा के। तो ये हम आ गए हैं इनसाइडर सैलून, और मैं बार बार यहीं मतलब कई व्लॉग में मैंने दिखा दिया कि मैं इनसाइडर सैलून आ रही हूँ, एक एक काम के लिए मुझे आना पड़ जाता है, मुझे ध्यान नहीं रहता, मैं एक साथ सारा काम नहीं कराती हूँ, कभी बाल के लिए कभी वैक्सिंग के लिए अलग अलग आना पड़ जाता है। वैक्सिंग के लिए तो मैं अपने घर के पास ही आती हूँ, एक्चुअली मैं वहीं से ही रूट अचअप भी कराती थी, बट अभी मैं यहीं पर ही आई हूँ। बालों का कलर चेंज कराने जा रही हूँ, यानी कि मैं ये जो ये हाईलाइट है इनको पूरा मैं अपने आफ्टर वॉश मतलब कलर होने के बाद दिखाऊंगी कि कौन सा कलर कराया है मैंने, अभी नहीं बताऊंगी। तो ये कलर वाला लगा लेते हैं, उसके बाद दिखाते हैं कि इसके मैंने कौन सा कलर कराया, पूरे बालों में ग्लोबल करा रही हूँ मैं, बाद में पता चलेगा।
ये मेरे पीछे बैठी है, इसको अभी 2 घंटे तक बैठना पड़ेगा। फंस जाती है बेचारी मेरे साथ आके। तो चलिए कलर वलर कराते हैं, उसके बाद दिखाते हैं कि मैंने कौन सा कलर कराया। पूरे बालों में मैं ग्लोबल करा दी हूँ। तो कलर प्रोसेसिंग मेरा शुरू हो गया है, मैं पूरे बालों में ग्लोबल करा रही हूँ। मैं आपको वो वीडियो में आगे बताऊंगी कि आगे दिखाऊंगी, बताऊंगी नहीं दिखाऊंगी भी कि मैंने कौन सा कलर कराया है। पूरे बालों में जो लोग ग्लोबल कराते हैं उनको पता ही होगा कि पूरे हेयर कलर चेंज होता है। तो जिसको जैसा कलर चाहिए होता है अपने जैसा भी जिसको अपना पसंद के कलर चाहिए होते हैं तो वो पूरे बालों में हेयर में वो कलर हो जाता है, तो उसे कहते हैं ग्लोबल। तो ये तो सब जानते ही हैं। तो मैं कौन सा कलर लेने वाली हूँ अपने बालों में अब इसके बाद, तो आपको पता चलेगा वीडियो में आगे। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो मम्मी आई थी तो मम्मी इसलिए नहीं आई थी घर पे क्योंकि मम्मी को लेना था बाहर से अचार, और ना ही मम्मी के पास टाइम था ना ही मेरे पास टाइम था। मम्मी को भी जल्दी जल्दी घर जाना था, मम्मी मोर मार्ट भी जाना चाह रही थी सामान लेने के लिए, और मम्मी को यहाँ से अचार लेना होता है, मम्मी यहीं से ही अचार लेती है हर बार। तो इसलिए मम्मी घर पर नहीं आई थी। अगर मैं घर पर होती और तो मम्मी आ जाती, लेकिन मुझे भी बाहर जाना था तो मम्मी को भी जल्दी थी, इस वजह से हम निकल गए बाहर ही मिले। ये है मेरा फाइनल लुक, नेचुरल ब्लैक। हाईलाइट को हटा के मैंने नेचुरल ब्लैक कलर करा लिया अपने हेयर कलर के मैच करके, यही है। अब मैं करा रही हूँ हल्की सी कटिंग, उसके बाद डन 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 डन। तो मैंने कटिंग वटिंग भी करा ली है, कलर भी करा लिए हैं, पूरा ग्लोबल करा लिया है। अब जा रहे हैं ज्वेलरी की शॉप पे। चल 6:30 हो गया होगा ना। सो सलून से निकलने के बाद हम जा रहे हैं ज्वेलर की शॉप पे, क्योंकि मुझे कुछ मेरे सिल्वर का कुछ सामान था और वो रखे रखे ना, सिल्वर क्या होता है ना, रखे रखे काला हो जाता है। तो इससे अच्छा है उसको दे के तुम रिप्लेस करके दूसरा ले लो, तो चाहे थोड़ा सा नुकसान तो होता ही है लेकिन क्या फ़ायदा वो काला काला ना पहना जाए ना रखा जाए। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो मैं जो भी मेरा सिल्वर का सामान है वो दे के मैं नया ले लेती हूँ, और कुछ ऐड करना होगा तो कर लूँगी उसमें थोड़ा बहुत, बाकी इतनी ज़रूरत नहीं थी। मैंने सोचा था कि मुझे कुछ लेना है तो मैं सोचने वाली हूँ कि ना कि बाल ही ले लेती हूँ, और जो भी अगर कुछ आ पाएगा तो अलग से ले लूँगी मैं वो। उसके बाद हम यहाँ आ गए हैं एक नजवगढ़ की शॉप पे, ये बहुत ही फेमस शॉप है। मैं बहुत छोटे से आती थी यहाँ पर जब हम गांव जाते थे, तो यहाँ पर छोले भटूरे बहुत ज़्यादा फेमस है, लेकिन अभी हम समोसे और चाउमीन लेने वाले हैं यहाँ पर। तो ये तो ये आ गए हमारे समोसे, चाउमीन आने अभी बाकी है, पहले ये खाते हैं फिर चाउमीन खाते हैं। तो यहाँ पर हमने ये छोले समोसे नया कुछ ट्राई किया है, पहले भी ट्राई किया था बट यहाँ का नहीं देखा था कि यहाँ के छोले समोसे कैसे होते हैं। ये आ गई हमारी चाउमीन, ये हमें बिल्कुल पसंद नहीं आए समोसे वमोसे, ये बिल्कुल अच्छे नहीं लगे, ये कोई मत खा रहा यहाँ पे आके। चाउमीन खाना, चाउमीन अच्छी है ना, चाउमीन एवर ग्रेट। वहाँ से हम खाना पीना खा के निकल चुके हैं घर के लिए, रिक्शा में हैं आप देख सकते हैं। तो यहाँ हम घर पर पहुँच गए हैं, और ये सामान जो आप अपने में देख रहे हो, मैं जब गई थी खाली हाथ था, और जब आई तो मम्मी ने इतना सारा सामान लेके रखा होता फिर से कैंटीन से। हर बार मम्मी यही करती है, चाहे मैं एक दिन के लिए जाऊँ 2 दिन के लिए जाऊँ, पहले ही सामान लेके रख देती है कैंटीन से। तो मैं थक गई थी बस, रास्ते में यहीं पर शूट कर पाई। So guys, मैं आ गई हूँ अभी घर पर, मैंने नहा धो लिया है, और क्योंकि दोबारा से कोरोना का मेरे को ऐसा लग रहा था कि जब मेरी तबीयत खराब हुई तब से मेरे को ऐसा लग रहा है कि बाहर से ही मेरे को ये हो गया। पहले ही नहा लिया, मैं आके मैंने चेंज वेंज कर लिया, नहा लिया धो लिया है, और मैं उसके बाद मैं एक शॉप पे और गई थी कुछ सामान लेने के लिए, फिर एक शॉप पे और गई थी। सब जगह शूट नहीं कर पाती हूँ क्योंकि ध्यान भी नहीं रहता है कई बार, और झड़बड़ हो जाती है ऊपर से गर्मी इतनी, तो शूट करना भी चाहो तब भी नहीं कर पाते, ऊपर से भीड़ भी बहुत हो रही थी बाहर क्योंकि ऑफिस का टाइम होता है उस टाइम लोगों का निकलने का। और मैंने क्या लिया है, मैंने नाक की बाली ली है, अभी पहनी नहीं है, और ली है मैंने दोबारा से वो वाली बिछिया, मैंने वापस दे के, क्योंकि 4 बिछिया मैंने पहन रखी है, तो मैंने सोचा उसको दे के मैं दूसरी बिछिया ले लूँगी, मुझे कोई भी पैसे ऐड नहीं करने पड़े, क्योंकि मेरे पास पहले से ही चांदी का सामान इतना पड़ा था कि मैंने उसको दे दिया, वो बेकार में पड़ा पड़ा काला हो गया था, क्या करना था उसका, तो उसको दे के मैंने दूसरा ले लिया।
सो इसलिए ज़्यादा इसमें ऐसा पैसा वेस्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। चांदी वैसे भी बड़ा ही रहता है तो चांदी में ज़्यादा पैसा वेस्ट भी नहीं करना चाहिए, तो उसकी जगह मैंने ले लिया। वो सामान मेरा गया था तो उतने में मेरा नाक का बारी वाली आ गई, उसमें मुझे कुछ करना नहीं पड़ा। तो मैंने वो वाली बिछिया देखी, ये वाली बिछिया ले ली फिर से, क्योंकि वो नई थी तो उसको ही देखी। वो हॉलमार्क थी और वो अंकल अच्छे हैं तो मतलब इतना कुछ काटपीट नहीं करते हैं, तो वो नई वाली बिछिया देखी। मैंने ये वाली दूसरी वाली बिछिया ले ली है ताकि सेम ना रहे मेरे पास, मैं चेंज करके पहन सकूँ। और ली है मैंने ये नाक का कोका, ये आपको कल देखने को मिलेगा। तो इसको मैं कल पहनने वाली हूँ। हमारे गली में हमारे पड़ोसी हैं, उनकी बहू को लड़की हुई है तो उसका नामकरण है कल, और गली में ही फंक्शन कर रहे हैं वो, तो हम कल वहीं जाने वाले हैं। हमारी गली में ही है तो मैं सब कुछ दिखाऊंगी, बालकनी से ही दिखा दूंगी कि ये टेंट वेंट लगा है सब चीज़ें। और फिर हम वहाँ खाना खाने जाएंगे, बच्चे को देखने जाएंगे और बच्चे को कपड़े वपड़े देंगे, तो मतलब जो भी देना होगा मतलब जाएंगे। बस हमारे पड़ोस में ही है, मतलब हमारे सामने ही घर है तो गली में ही है फंक्शन। और चलिए वो सब भी शेयर करूँगी कल के ब्लॉग में। आई होप आपको आज का ब्लॉग भी पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो प्लीज़ डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। मिलते हैं न्यू ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। हाँ, इसके लिए नया कप मंगाया, अभी आया नहीं है ना, तो चलो ब्लॉग में यही एंड करते हैं। मिलते हैं कल के ब्लॉग में, कल के ब्लॉग में हम अपने पड़ोस में खाने पे जाएंगे तो वो सब चीज़ें शेयर करेंगे, मैंने पहले ही बता दिया। चलो पता, लव यू ऑल, बाय 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 पिंचो, बाय कर दो पिंचो, तो देखी नहीं रहा, हाय हाय।